बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। आई एम मैथमेटिक्स टीचर, सो वेलकम टू क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सेट की एक्सरसाइज 2B। मगर उससे पहले स्टार्ट करेंगे सेट नोटेशन। सेट नोटेशन क्या होता है? सेट नोट करना। सेट मे बी रिटन इन 3 फॉर्म्स कॉल्ड सेट नोटेशन। सेट को हम 3 हालत में लिख सकते हैं। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, वाजे करना, जो हाल वाजे हालत करना। टेबुलर फॉर्म, टेबल फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, जो बिल्ड फॉर्म। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, वाजे करना। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब बाय अ स्टेटमेंट एंड इज नॉट प्लेस विद इन द कर्ली ब्रैकेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होता है जिस सेट को हम किसी स्टेटमेंट में, बयान में, ब्रैकेट में नहीं करते। दूसरा है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म इन टेबुलर नोटेशन द सेट डिस्क्राइब बाय अ स्टेटमेंट विद द कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट बाय कॉमा। इसको हम टेबुलर फॉर्म को हम अलग करते हैं ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में, मगर कॉमा से शो करते हैं कॉमा देके। इसका एग्जांपल है जैसे कि ए सेट ए ई, इसमें भी कॉमा है, ए ई आई ओ यू, ये सेट है, ये हमारा टेबुलर सेट है। बुल्डर तीसरी डेफिनेशन है। बुल्डर फॉर्म इन सेट बुल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। बुल्डर फॉर्म है जो इसको रूल के हिसाब से वाजे किया, एक्सप्रेस किया गया, वाजे किया गया है। एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये थी हमारी डेफिनेशन। और हम इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1B। दूसरी एक्सरसाइज 1B है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसको हमारे को क्वेश्चन को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे हम। 1B क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट सेट इन टेबुलर फॉर्म। इसको हमको टेबुलर फॉर्म में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एम सेट एक्स सच दैट्स एक्स इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। नंबर लेस देन, हमको टेबुलर फॉर्म में करना है। नंबर एक्स दैट इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन, जो 6 से कम नंबर हो। आंसर होगा एम सेट, हमारे नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म, ये ऐसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ए सेट वाई सच दैट वाई इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 3। वाई इज अ ऑफ
3। आंसर होगा इसका थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व। दूसरा क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू सेट वाई सच दैट वाई इज अ मल्टीप्लाई ऑफ थ्री। इसका आंसर होगा ए इज इक्वल टू सेट थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, अंग मगर आगे भी हो सकते हैं, मगर हम सेट में आंसर में इतने ही शो करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। वन बी का टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म हम इस तरह सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बुल्डर फॉर्म, बुल्डर फॉर्म हम कैसे करेंगे वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे राइट write the following set in the boulder form, write the following, write the following sets in boulder form, बोल्डर फॉर्म। बोल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन वन, पी इज इक्वल टू ए बी सी अनलिमिटेड जेड। आंसर होगा पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इंग्लिश अल्फाबेट दूसरा है क्वेश्चन हमारा क्यूस बराबर सेट टू फोर सिक्स अनलिमिटेड। आंसर होगा क्यू सेट वाई सच दैट वाई इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। ये होगा, ये हो गया बोल्डर फॉर्म। तीसरा भी हमारा सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है टेबुलर फॉर्म, तो वो आपका होमवर्क होगा। बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन बच गए हैं वो आपको आ गए होंगे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, वो भी आपका होमवर्क होगा। ये हमारी एक्सरसाइज वन बी डन हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।